मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। कभी सारे लोग मेरे पास में आते हैं और पूछते हैं कि आपके हम लेक्चर सुनते हैं, आपके पास में आके काउंसिलिंग करते हैं, आपके कोई प्रोग्राम्स है स्कूल में होते हैं या कहीं एज ए गेस्ट स्पीकर मुझे बुलाते हैं, वहां लोग मुझे अटेंड करते हैं या कभी हिप्नोटिज्म के प्रोग्राम करते हैं, मतलब अटेंड करते हैं लोग, तो लोग बोलते हैं कि वहां तो काफी अच्छा लगता है, वहां काफी इंस्पायर्ड होते, प्रेरित हो जाते हैं, मगर वो 2-3-4-5 दिन के बाद में वो जो प्रेरणा जो है निकल जाती है। मैं बोलता हूं कि भाई वो तो होने वाला ही है। जैसा हम शारीरिक स्नान रोज करते हैं वैसा मानसिक स्नान भी रोज करना जरूरी है, क्योंकि हमारे आजू बाजू का वातावरण जो है वो आजू बाजू के वातावरण में पूरी निगेटिविटी भरी हुई है। आप कोई भी न्यूज़पेपर आज निकालो तो उसमें पहला पेज देखो, आखिरी का पेज देखो, बीच में भी सब पेज निकालो तो कोई भी पेज के ऊपर 3/4 पेज जो है उसमें सब निगेटिव ही न्यूज आपको दिखेंगे। इसका निधन हुआ, वहां एक्सीडेंट हुआ, उसने उसकी हत्या कर दिया, वो करप्शन में पकड़ा गया, मतलब ऐसा कुछ ना कुछ उसमें ऐसा रहेगा, सब निगेटिविटी भरी हुई है। लोग भी आजू बाजू में हमारे नकारात्मक लोग घूमते फिरते हैं और वो होलसेल में है। तो इसके बीच में हमें हरदम प्रेरित रहना है, मोटिवेटेड रहना है। तो उसके लिए क्या किया जाए ऐसा लोग पूछते रहते हैं। तो मैं उनको बताता हूं कि भाई वर्कशॉप्स अटेंड करो जहां आपको प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन स्पीचेस अटेंड करो, कोई कोर्सेज अटेंड करो, वो तो बीच बीच में होना ही चाहिए। उसके अलावा काफी सारी किताबें मार्केट में हैं, बड़े बड़े लेखकों की किताबें मार्केट में हैं, वो किताबें यदि आप लाते हो और किताबों के कुछ पन्ने सुबह कुछ पन्ने शाम को आप पढ़ते हो, लाइक रिचुअल, मतलब आप पूजा पाठ करते हो वैसे आप कुछ पन्ने पढ़ते हो, तो आपको जरूर प्रेरणा मिलेंगी, आप प्रेरित हो जाएगी। तो आपने हर रोज किताबें पढ़ना चाहिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, स्वामी विवेकानंद होंगे, महात्मा गांधी होंगे या रामायण होगा, महाभारत होगा, जो भी आपको अच्छे लगते, जो भी बड़े बड़े स्पीकर्स है, जो दुनिया में फेमस है बड़े बड़े स्पीकर्स, उनकी किताबें आप पढ़ो। वैसे ही आप वही स्पीकर्स की ऑडियो सुन सकते हैं, वही स्पीकर्स की वीडियो सुन सकते हैं जो आपको यूट्यूब में मिल जाती है। मेरी भी काफी सारी वीडियोज है कि जो यूट्यूब में जो मोटिवेशनल वीडियोज है, मानसिक बीमारी के बारे में वीडियोज है, आप रोज 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 सुनते रहते हैं तो डेफिनेटली आपको उसका फायदा मिलेगा। मेरी किताबें हैं, एक है वो सब मराठी में है, हिप्नोटिज्म के बारे में किताब है, फिर एक है आनंदी वैवाहिक जीवन, उसके बारे में किताब है, तनाव मुक्त व आनंद यानी स्ट्रेस कैसा रिलीज कर, उसके बारे में किताब है। तो ये किताबें भी आप पढ़ते हैं तो आपका काफी स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपको प्रेरणा मिलेगी। वीडियोज है वो वीडियो, और काफी सारे जो स्पीकर है उनके वीडियोज है, ऑडियोज है, वो भी पढ़ना बहुत जरूरी है, वो भी सुनना बहुत जरूरी है। तो वहां आप करते हैं वैसे ही आप बड़े लोगों को मिलो, जहां जहां संभव है वहां वहां बड़े लोगों के लिए आप मिलते हैं, उनके साथ में बातचीत करते हैं, उन्होंने वो कैसा अचीव किया, उनकी सक्सेस स्टोरी क्या है, वो यदि आप सुनते हैं उनको मिलते हैं तो आपको काफी सारी अच्छी प्रेरणा मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट आइटम जो है वो है कि भाई आपके जो गोल्स है, आपके बड़े गोल्स यदि रहेंगे, बड़ा कुछ भी अचीव करना है, तो उसको टुकड़े टुकड़े में बांटो और रोज आपके सामने एक लिस्ट ऐसी बनाओ कि जो छोटे छोटे गोल्स है, बड़े गोल्स के छोटे छोटे हिस्से, और वो एक उसका चार्ट बनाओ कि भाई मेरा आज का गोल क्या है, 1, 2, 3, 4, आज के मेरे गोल्स ये है, 1, 2, 3, 4 जैसा भी लिखा है यहाँ वैसा, और फिर उसमें मैंने एक्शंस कौन से लिया, उसमें रिजल्ट्स कौन से आए, और उसमें नेक्स्ट एक्शन, कल के एक्शन क्या होने वाले। तो आप उसमें खुद को रिवार्ड दो कि भाई मैंने 10 आइटम लिखे थे, ये मेरे 10 आइटम्स थे, छोटे छोटे गोल्स थे, उसमें मैंने कौन सी एक्शन लिया और उसमें मुझे कैसा भी लग रहा है, रिजल्ट कैसे है, मुझे अच्छा लग रहा है, खुद को उसमें रिवार्ड देना, तो उसमें भी आपको प्रेरणा मिलती है, मोटिवेट आप रहते हैं। तो ऐसा मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको देखो मोटिवेशन मिलना या अच्छा लगना, बहुत ही अच्छा लगना, वो तो हम ड्रग्स लेते तो अच्छा लगता है, हम चाय पीते तो अच्छा लगता है, कॉफी पीते तो अच्छा लगता है, शराब लेते तो अच्छा लगता है, सेक्स करते तो अच्छा लगता है, कोई हमको एडमायर करता तो हमको अच्छा लगता है, हम कंट्रीब्यूट करते हैं लोगों के जीवन में, हम फर्क करते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो ये सब हमें बहुत सारी चीजें जो है वो वातावरण से मिल जाती है तो हमको अच्छा लगता है, और उसके लिए हम बार बार वही काम करते रहते हैं। अब मुझे यह आपको बताने का है कि भाई
हरदम प्रेरित रहे और हमारा जो गोल है उसके लिए बाहर की चीजें, मतलब चाय लेना, कॉफी लेना, शराब लेना या और कोई, मतलब लोगों ने अच्छा बोलना चाहिए, एडमायर करना, मतलब वहां डिपेंड न रहते हुए अंदरून हमको उसकी भूख है कि भाई वो मुझे करने का है और ये गोल हासिल करने का, और उसके लिए मैंने मोटिवेटेड रहना, उसके लिए प्रेरित रहना और उसके लिए मैंने काम करना। इसके लिए मैंने जो अभी आपको बताया नुक्स, वो करना जरूरी है और वो यदि आप करते हैं तो हरदम 24/7 आप मोटिवेटेड रहेंगे। और उसमें मैंने जैसा आपको बताया कि बुक्स पढ़ो, वीडियो ऑडियो सुनो, बड़े लोगों को मिलो, वर्कशॉप अटेंड करो, आपके गोल्स जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो और वो रोज लिख के उसके सामने एक्शन और रिवार्ड, ऐसा आप करो तो जरूर आपको हर रोज प्रेरणा मिलेगी, रोज आप प्रेरित रहेंगे और आप यदि एक्शन लेते रहेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे तो आपको और प्रेरणा मिलेगी। बहुत सारे आपके दोस्त होंगे कि जिनको ये वीडियो से फायदा होगा, जिनको ऐसा लगता है कि नहीं हम डाउन रहते, ज्यादा प्रेरणा नहीं है, रिजाइंड रहते लोग, है ना, जैसा उनको लगता है कि नाराजी है, उदासीनता है, कुछ होने वाला नहीं ऐसा लगता है और वो लोग नाराज रहते हैं, तो उनको ये जरूर वीडियो शेयर करो। ये तो वो लोग यदि करते हैं तो उनको प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेटेड रहेंगे, वो काम करेंगे, उनको रिजल्ट आएगा। और हमारा जो एक मिशन है कि भाई हर एक के लिए मानसिक स्वास्थ्य, हर व्यक्ति शक्तिशाली जीवन जिएगा और हर व्यक्ति व्यसन मुक्त रहे, मतलब व्यसन मुक्त भारत हमारी संकल्पना है, उसमें आपका हाथ लग जाएगा। आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो सब्सक्राइब करो, उसको लाइक करो, शेयर करो और आपके फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।